नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, और आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्टनाइट एंड्रॉइड के ऊपर। और मेरे पास आपके लिए फोर्टनाइट एंड्रॉइड से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ कह लो या तो बुरी न्यूज़, आपको कैसी न्यूज़ लगेगी मुझे पता नहीं। तो यार, जैसे भी न्यूज़ लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, या तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये सबको पता, मैंने आज से पहले जितने भी वीडियोस बनाई हैं, मतलब पिछले हफ्ते से जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ वो फोर्टनाइट एंड्रॉइड के ऊपर ही आ रही है। ठीक है, डिवाइस लिस्ट वाली मैंने बनाई थी, तो जिनको अपने जानने डिवाइसेस के वो कंपैटिबल है फोर्टनाइट एंड्रॉइड के या नहीं, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे यार, 25 जुलाई निकल गया और एपिक गेम्स का अपनी बर्थडे पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ना कुछ कहा फोर्टनाइट एंड्रॉइड के बारे में, ना ही उसकी रिलीज डेट के बारे में। पर दोस्तों, इसके बीच में मुझे एक आर्टिकल फाउंड हुआ, उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यार, बेसिकली इस आर्टिकल में लिखा है यार, जैसे कि आप सबको पता है यार, अभी एक दो हफ्ते में सैमसंग S9 लॉन्च हो जाएगा, S9 Note S9। ठीक है, तो यार क्या है वो, मुझे ये न्यूज़ मिली है यार कि फोर्टनाइट एंड्रॉइड जो है वो S9 के साथ ही लॉन्च होगी। मतलब S9 का प्रमोशन फोर्टनाइट एंड्रॉइड करेगी, मतलब जो जो S9 खरीदेगा उसे पहले ही फोर्टनाइट एंड्रॉइड मिल जाएगी। तो जो जो S9 की प्री रजिस्ट्रेशन करेगा और उसे जब भी फ़ोन मिलेगा तो उसमें फोर्टनाइट एंड्रॉइड पहले से इंस्टॉल होगी। तो इससे क्या हो रहा है यार, फोर्टनाइट सैमसंग वालों के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जैसे कि फोर्टनाइट का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए और सैमसंग का भी फ़ायदा हो जाए। पर दोस्तों यार, इसके बीच में ये ही आता है कि अगर फोर्टनाइट सैमसंग S9 के लिए लॉन्च होगी तो वो कह रहे हैं कि जो बाकी डिवाइसेस के लिए है वो थोड़ी डिले होगी। हाँ जी, जो जो सैमसंग S9 खरीदेगा पहले 2 हफ्ते या पहले 3 हफ्ते में कह लीजिए, उन्हें ही सिर्फ मिलने वाली है फोर्टनाइट एंड्रॉइड। और जो बाकी हैं वो आर्टिकल कह रहा है यार कि नहीं, उन्हें अभी नहीं मिलेगी, उन्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, शायद अगस्त के मतलब मिड में मिल जाए, मतलब 11 अगस्त या 18 अगस्त के बीच में। तो वरना जो S9 खरीद लेंगे उन्हें तो ज़रूर ही मिलेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यार S9 सैमसंग और फोर्टनाइट और एपिक गेम्स ये सब पार्टनरशिप कर रहे हैं यार, और हमें उल्लू बनाई जा रहे हैं बार बार कि हमें कह रहे हैं फोर्टनाइट आ रही है या नहीं। सैमसंग वालों जो नया फ़ोन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा भी है, मैं तो रिकमेंड करूँगा सैमसंग S9, क्योंकि यार फ़ोन तो अच्छा हो गई, साथ साथ आपको फोर्टनाइट एंड्रॉइड दूसरों से पहले खेलने के लिए भी मिल जाएगी। इससे होगा कि आप फोर्टनाइट एंड्रॉइड का आनंद मान सकते हैं और आपके पास एक अच्छा डिवाइस भी आ जाएगा। तो दोस्तों यार, ये सैमसंग और फोर्टनाइट की बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो रही है कि अगर फोर्टनाइट एंड्रॉइड अपने प्रमोशन और सैमसंग के प्रमोशन के लिए अपनी गेम उसमें लॉन्च कर रही है, जिससे कि फोर्टनाइट एंड्रॉइड का भी साथ में प्रमोशन होगा और सैमसंग नोट S9 का भी होगा। तो यार, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर या कह लीजिए गेमर्स के ऊपर, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यार एंड्रॉइड वाले काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और अगर ये फोर्टनाइट एंड्रॉइड ऐसे रिलीज करेंगे यार कि प्रमोशन के साथ कि डिवाइस खरीदो इतना महंगा तभी हम देंगे, क्योंकि हर एक के पास इतने पैसे नहीं होते कि यार वो सैमसंग S9 जाके बाय करे आराम से, वो मतलब हर हफ्ते या हर महीने फ़ोन चेंज करे, इससे किसी के पास इतने पैसे नहीं होते यार। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही पुराना फ़ोन है और S9 खरीदना चाहते हैं, तो S9 खरीदिए आप। पॉसिबल है कि 90% पॉसिबल है कि फोर्टनाइट आपको इंस्टॉल मिले, पर जब तक यार अगर S9 रिलीज़ होने से पहले कुछ न्यूज़ मिल ही जाएगी फोर्टनाइट की तरफ से भी कि यार S9 में जो भी खरीदेगा उसे फोर्टनाइट मिल जाएगी। तो बाकी अगर आपको रिलीज डेट की कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं कहूँगा यार ट्विटर पे जाके फोर्टनाइट को फॉलो कीजिए, सीधी बढ़िया न्यूज़ और सबसे रियल न्यूज़ उधर ही मिलेगी। बाकी यार यूट्यूब पे आपको लाया फुसलाया भी जाता है, कहीं कहीं गलत न्यूज़ भी दे देते हैं। तो यार, आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।